हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग एंटरटेनमेंट। तो गाइस, हम कल आए थे वैष्णो देवी से वापस घर पर। तो मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। 27 डेट है आज, परसों आए थे, 25 को आए थे हम। तो आज 27 डेट है, तो आज मैं शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको वो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो कि हमने वैष्णो देवी से बाय करी थी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारी पहली चीज़। गाइस, पहली चीज हमने पाइए। आप बोल रहे हैं ये क्या है? ये मैंने सैम के लिए लिया है खेलने के लिए, और उसने इस पे दांत भी मार दिया। ये मैंने उसके लिए लिया था और उसने ये फाड़ दिया है, देख लो। ये मैंने टेंट रूफ का लिया था, एज यूजुअल ये तो गली में भी मिल जाते हैं आराम से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दूसरी चीज। दूसरी चीज है ये हमने 100 रुपीज़ का लिया था। ये वहाँ पे आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे बनवाने के लिए, बड़े बड़े भी थे। हमने यही लिया है, देखो, एक पे लिखा हुआ है आर्यन, एक पे लिखा हुआ देव, एक पे लिखा हुआ सैम। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, 100 रुपीज़ का है और ये स्केचिंग से लिखा हुआ सारा, ये देख लो। काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये 100 रुपीज़ के हिसाब से। और ये कील से सारे टक डूबे पीछे कहीं नहीं जाते आपके। तो आप अगर जाओ तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े भी थे, गिटार वगैरह की रिंग्स वगैरह भी थे। मैं लाया हूँ की रिंग, वो भी आपको भी दिखाऊंगा। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये 100 रुपीज़ के हिसाब से। इसमें गिटार भी लगे हुए थे साइड में, पर उस पर हमारा नाम पूरा ना था। तो तभी अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो 4 बजे की मेरी ट्यूशन है। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दूसरी चीज़। तो गाइस, दूसरी चीज़ है मेरे पास, ये की रिंग है, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो गाइस, ये मैंने 4 बनवाए हैं, ये 2 बैट वाले, 2 ये, एक में लिखा है देव, एक में ये मेरा नाम लिखा है, यहाँ पर नाम लिखा है, शाइनिंग पड़ रही है तो दिख नहीं रहा। और एक में मैंने अपनी ट्यूशन टीचर का नाम लिखवाया है, दिशा मैम, खाली दिशा लिखवाया है, उन्होंने मैम लिखा ही नहीं, वो बोल रहे थे पूरा आएगा ही नहीं। तो एक मैंने अपने फ्रेंड के लिए लिखवाया है राघव, और एक मैम के बेटे के लिए लिखवाया है अव्यांश, लिखा हुआ उस पर, ये रहा। तो आज मैं ट्यूशन जाऊंगा, कल हम सामान लेने गए थे, उसका भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, अनबॉक्सिंग ब्लॉग आएगा उस पर भी। तो ये मैंने 4 वहाँ से लिए थे, जो कि 2 मैम और मैम के बेटे के लिए हैं, और एक मेरा, और एक मेरा फ्रेंड का, राघव का भाई ने भी अपने लिए लिए हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए भी लिए हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ और बढ़िया सी दिखाने जा रहा हूँ, तो चलो देखते हैं। तो गाइस, आप बोल रहे होंगे ये मैंने कैप आ लिया एकदम से, ये देखो गाँव वाली कैप है, ये सैम के लिए लिया है हमने, अभी मैंने उसे डाली नहीं है जब से मैं इसे लाया हूँ। तो अभी मैं आपको उसका देख के बताता हूँ, ये कितनी बढ़िया है, ये देख लो, ये काऊ बनी हुई है, देख लो, ये काऊ की आइज, ये काऊ के सींग, और ये काऊ के ये ईयर्स, ये देख कितनी बढ़िया कैप है ये। इसमें बहुत सारे थे, ब्लैक कलर था, पर हमने कहा ब्लैक कलर तो 2 दिन में ही वाइट हो जाएगा, क्योंकि सैम के बाल काफ़ी झड़ते हैं। देख लो कितनी बढ़िया लग रही है, अलग मुझे ही देख रही है। तो ये थी हमारी कैप, बहुत बढ़िया लगी मुझे ये, इसके सींग भी काफ़ी बढ़िया हैं। ये कैप है, और इसे कैप के साइड में ये इसे लॉक करने के लिए दी है, ये ऐसे लॉक होती है वैसे। तो हमारी एक और भी थी जो सैम की कैप, जो आप व्लॉग में डालते हुए देखते हो उसे, और आज से ये वाली कैप आपको उसे दिखेगी डालते हुए। काफ़ी बढ़िया कैप है ये, कैप वाली मुझे यही देखते साथ ही पसंद आई थी वहाँ पर, और ये डमी पे लगी थी बाहर। तो गाइस, अब मैं आपको नीचे जाके अपना खीरें और मम्मा के लिए थोड़े बहुत स्पैचुला वगैरह मतलब लिए थे, लकड़ी के वो जो भी होते हैं वो लिए थे, तो अभी आपको वो दिखाता हूँ। चलो गाइस, 5वीं चीज़ मेरे पास है मेरा ये खीरिंग, ये देख लो, ये मैंने लगवाया, 30 रुपीज़ का बनवाया है ये, कैसे क्रिएटिविटी करते हैं देख लो, ले लो, कितना बढ़िया की रिंग है ये। ये मैंने 30 रुपीज़ का बनवाया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ 6th थिंग, स्पैचुला लिया है वो, अभी हम मैं उसको दिखाता हूँ नीचे चल के। तो चलो,